गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम निरंजन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफिनिटी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेस जो कि हमारे डेली लाइफ में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट में हम यूज करते हैं। तो वैसे तो होते हैं बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ तीन को डिस्कस करेंगे। बाकी जो फर्दर फॉर्मूले हैं वो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका एक्चुअली फॉर्मूला होता क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से हमारे पास जो होता है दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक एक करके समझाऊंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं विद द एग्जांपल। बट उससे पहले आप लोगों को एक से लेकर दस तक स्क्वायर याद होना चाहिए, एक से लेकर दस तक या फिर 20-25 तक। मिनिमम जो स्टूडेंट है उनको 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम ये चीज सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लीड होती है, चीज की बहुत ज्यादा लीड होती है। तो देखो सबसे पहले हम इसका, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले में लगाते हैं। 2 को हमने क्या कंसीडर कर लिया, a कंसीडर कर लिया है, और 3 को हमने b कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर, और 2 into a का मान हमारे पास क्या है, सिंपल a का मान हमारे पास 2 है और b का मान 3 है। सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रथम देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर यहां से देखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस, इसको आप सॉल्व करोगे 2 2 4 4 3 12, हमारे पास 12 आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 4 प्लस 9 हमारे पास 13 हो जाएगा, 13 प्लस 12 25 आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है 25। अब इसको चेक कैसे करते हैं, ये भी बच्चों को पता होना चाहिए कि इसको चेक कैसे करते हैं। तो चेक करने के लिए आपको सिंपल भी आप ऐसे कर सकते हो कि a प्लस बी को आप आपस में ऐड कर लो और उसका डायरेक्ट आप स्क्वायर निकाल दो। अगर स्क्वायर राइट आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे देखो मैं अगर जोड़ दू यहाँ पे 2 प्लस 3, मेरे पास 5 है, 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 आएगा। तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, बिल्कुल करेक्ट आया है। तो उसी तरह से मैं दूसरा जो फॉर्मूला है वो सॉल्व करता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जिस तरह से हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर करा है उसी तरह से बिल्कुल सिमिलर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि यहां पे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, सबट्रैक्ट का साइन लेता हूं मैं। इसमें भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a का स्क्वायर, इसको मैंने क्या मान लिया है a और इसको b। अब यहां पे क्या करूंगा, a का स्क्वायर मींस कि 5 का स्क्वायर देन फिर प्लस में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, फिर माइनस 2 इंटू a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व करोगे आप तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 इंटू 5 10 और इंटू 20 हमारे पास 20 आएगा, 5 टू जा 10 और 10 टू जा 20। अब इसको आप लोग सॉल्व करो तो पहले ऐड कर लो, क्योंकि बोर्ड मास्टर में हमें क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 29 आएगा, 29 माइनस 20 अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आया। इसको भी आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, a माइनस बी कर दो और उसका डायरेक्ट स्क्वायर निकाल दो। मीन्स कि मैंने क्या करा, 5 माइनस 2 और उसका मैंने क्या कर दिया, मेरे पास क्या 3 आया, 5 में से 2 गया तो 3 आया, 3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 9 ही आएगा। इट मींस कि हमारा जो आंसर आया है वो हमारा करेक्ट आया है। ये दो फॉर्मूलेस हो गए हमारे पास। अब हम तीसरा डिस्कस करते हैं। मैंने आपका एक एग्जांपल ले लिया है, एग्जांपल है हमारे पास 3 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको हमने a कंसीडर कर लिया, इसको हमने b कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 एंड 3 माइनस 2। इसको सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा वन डिजिट से पहले। 3 को हम 3 से पहले करवाएंगे तो हमारे पास सिंपल 9 आएगा,
फिर थ्री को हम फर्दर टू से कराएंगे तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है तो माइनस का सिक्स आ जाएगा, थ्री टू जा सिक्स। अब इसको हम इससे कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का सिक्स, और फर्दर हम टू को माइनस टू से कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा फोर आएगा। तो माइनस का सिक्स प्लस का सिक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नाइन माइनस फोर तो हमारे पास आंसर क्या आएगा फाइव आएगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को। और मैं और भी आपके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, तो आप देखते रहिए वीडियो। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।